राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम आपसे बात करते हैं खेती के नए पुराने तरीकों के बारे में और आपसे शेयर करते हैं अपने अनुभव। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होगी वो एक बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर होगी, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। क्या फर्क है इसमें? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारा फर्क है। आइए इस अंतर को बिना देरी किए शुरू करते हैं और समझते हैं जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक खेती होती क्या है, ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत प्रचलन में ये नाम है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें हम जो भी केमिकल फर्टिलाइजर है या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसमें हम जितने भी प्राकृतिक खाद होते हैं, जैसे गोबर का खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचे और हमारी जो फसल है वो भी बिल्कुल सेहतमंद हो। अगर बात करें हम इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदों की, तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे भी बहुत सारे हैं। इससे एक तो हमारी जो मिट्टी है या हमारी जो जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। दूसरा, जो हमें हमारी फसल है या फिर जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल केमिकल रहित होता है। तीसरा इसका एक और फायदा है दोस्तों, जो एनवायरनमेंट है हमारा या हमारी प्रकृति है वो भी बिल्कुल स्वच्छ रहती है, बिल्कुल सेफ रहती है। अगर हम इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के नुकसान की बात करें ना दोस्तों, तो नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले एक तो समस्या आती है कि आप जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो आपकी ज़मीन एकदम से ऑर्गेनिक नहीं हो पाती। शुरुआत में क्या होगा, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो एकदम गिरेगा। गिरने से क्या होगा कि किसान बड़ा हताश होगा, भाई ये कहाँ फंस गया, क्या शुरुआत कर ली। क्योंकि किसानों को ये लगा रहता है कि हम अपनी ज़मीन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना निकाल लें, हम उसमें डालने की नहीं सोचते कुछ भी। ज़मीन को भी, मिट्टी को भी बहुत कुछ चाहिए होता है। दूसरे नुकसान की बात करें दोस्तों, केमिकल का ज़माना है, लोगों को आजकल वैसे ही सब कुछ सस्ता चाहिए और ऑर्गेनिक को उगाने में बहुत मेहनत लगती है, तो किसान भी सोचता है कि वो अपनी आमदनी खुद तय करे, तो लोगों को वो महंगी चीज़ें पसंद भी नहीं आती। और जबकि वो महंगी नहीं होती, वो बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं। अगर सीधे शब्दों में बात करें दोस्तों, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फर्टिलाइजर की बजाय जितने भी प्राकृतिक खाद हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, गोबर खाद की बात कर रहा हूँ, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हैं इनकी बजाय, या जो भी प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियाँ दी है ना, उनका मिश्रण बना के वो अपनी फसलों पर इस्तेमाल करते हैं और कीट पतंगों से, मच्छर से, मक्खी से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की, तो दोस्तों प्राकृतिक खेती खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कोई भी बाहरी इनपुट नहीं डालते ज़मीन के अंदर, ना तो कोई रासायनिक खाद डालते, ना कोई जैविक खाद डालते। तो इस पद्धति के अंदर जो भी हमारी खेती है वो प्रकृति के चक्कर के ऊपर निर्भर करती है। एक हमारे सुभाष पालेकर जी थे, उन्होंने इसको जीरो बजट खेती के नाम से भी प्रसिद्ध किया है। अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की, तो दोस्तों प्राकृतिक खेती के जो मूल नियम हैं, उन मूल नियमों में जो हमारी प्राकृतिक खेती होती है ये गौ माता के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि इसमें हम गौ माता से जो भी हमें मिलता है, जैसे गौमूत्र की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं, तो दोस्तों इनकी मदद से हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं, जो फसल में खाद और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के तौर पर दिया जाता है, जिससे फसल की वृद्धि हो सके। या फिर सीधे अक्षरों में बात करें, प्राकृतिक खेती में हम लोग कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते। जो कुछ हमारी ज़मीन के अंदर होता है, जो कुछ हमारे खेत के अंदर होता है, वही इस्तेमाल करते हैं। या फिर ये हमारा एक प्राकृतिक के जो प्रकृति के नियम होते हैं उनके साथ चलने वाली खेती होती है। जो जैसा प्रकृति का नियम है वैसी ही ये खेती हो पाएगी दोस्तों। इसके बाद
हम बात करते हैं फाइनल के आखिर दोनों में से बेहतर खेती कौन सी है, बढ़िया खेती कौन सी है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी अपनी जरूरतों पर। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जीरो बजट के साथ, आप बिना लागत लगाए ज्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं और प्राकृतिक साधनों के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं, तो प्राकृतिक खेती एक बहुत बढ़िया विकल्प है। जबकि आप चाहते हैं कि भाई आप खेती से मुनाफा भी कमा सकें और जैविक खेती की आपको ज्ञान भी है, तो जैविक खेती से फायदेमंद कुछ भी नहीं है दोस्तों। प्राकृतिक खेती से भी ये दो कदम आगे होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने बात करी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर के बारे में, दोनों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपका इस खेती से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।